तो आमे यूरिन रे प्रोटीन एक्सट्रीमेशन ता विषय आम देखुले केमती कौन प्रोटीन एक्सट्रीमेट करा जाए यूरिन रे को को टेस्ट सब थाए तो पछरे बहुत गुड़ा टेस्ट मुझे पढ़े थी प्रीवियस वीडियो रे तो आज देखिया आ गोटे टेस्ट प्रोटीन एक्सट्रीमेशन पाई ता ना होची एसबैक टेस्ट होची ये गोटे टेस्ट जो थे कि आम प्रोटीन एक्सट्रीमेशन कर तो गोटे एल्बुमिनोमीटर गोटे निया जाए एल्बुमिनोमीटर तो से आम कौन करना रिएजेंट थाए एसपैक रिएजेंट तो ये जो देखा होची तो यहाँ हूँ गोटे एल्बुमिनोमीटर तो ये आम कौन करना रिएजेंट नवा एसपैक रिएजेंट जोटा कहती से आर जाए नवा एति जाए नवा तार रिएजेंट एसपैक रिएजेंट यूरीनटा नवा के जाए ये जो यू पॉइंटा देती जाए आम नवा यूरीनटा ये जाए यूरीन नवा तापर ताक किसी समय रखीद दीटा को मिसाइक फास्ट आम यूरीन नहीं जावा यू गार जाए तापर रिएजेंट नहीं जावा आर जाए दीटा को मिसाइक आम रखीद किसी समय रखीदेलापर किसी समय पर पेसीपिटेसन देखाला आम जापर से कौन अच्छी प्रोटीन प्रेजेंट अच्छी जदि पेसीपिटेसन न देखाला तालोले प्रोटीन प्रेजेंट ना तो एमती एसपैक गोटे टेस्ट अच्छी जो थे कि प्रोटीन को एस्टिमेट करा जाए तो यहाँ इमेज अच्छी जदि आम दीटा को आम मिसेक रखीद फास्ट हूँ एसपैक रिएजेंट आउ यूरीन तो दीटा को आम मिसेक रखीद किसी समय पर किसी समय रखीदेलापर किसी समय पर जब आम देखिया एमती पेसीपिटेसन देखा एमती जो तय देखा छोटे पेटिफिशन देखा तो जदि पेसीपिटेसन देखाला तो जापर कौन अच्छी ना यूरीन रे प्रोटीन प्रेजेंट अच्छी तो यहाँ गोटे टेस्ट जो थे कि यूरीन रो प्रोटीन रो प्रेजेंट कि आबसेंट ताकु आमे जापर ए टेस्ट माध्यम तो फास्ट जदि आम देखिया एल्बुमिनोमीटर जोटा कहती जोटा कि आम यूज करसु एसबैक टेस्ट रे तो मेन हूँ इंस्ट्रूमेंट जोटा कि दरकार ता ना हूँ एल्बुमिनोमीटर तो से एल्बुमिनोमीटरटा देखा कमिता यहाँ जो देखा यहाँ हूँ एल्बुमिनोमीटर तो से आम रिएजेंट पकाचु तो से रिएजेंट ना हूँ एसपैक रिएजेंट एसपैक रिएजेंट रे कौन कौन रोज एसपैक रिएजेंटा मार्केट में मिल जाव तो से रिएजेंट रे कौन कौन रोज ता भीतर जो आम देखा इनग्रीडिएंट कौन कौन इनग्रीडिएंट सब थी पिक्रिक एसिड थी साइट्रिक एसिड थी आउ गोटे थी वाटर तो ये तीन टाइप जो मिसेद कौन हो ना एसपैक रिएजेंट तो एसपैक रिएजेंट रे पकईद तो ये गार थी रिएजेंट थी आउ यू थी यू सिंबल जाए यूरीन टाक रखिया आउ आर आर सिंबल जाए आम कौन रखिया ना रिएजेंट को फिलअप करापर ताक किसी समय छाड़दापर तय कौन हम ना पेसीपिटेसन बसीज तो सी जो पेसीपिटेसन आसीगला तहे तो आम जापर जो कौन अच्छे ना प्रोटीन प्रेजेंट अच्छी जदि न आसला तो प्रोटीन प्रेजेंट ना तो एमती एसपैक टेस्ट करा जाए प्रोटीन एस्टिमेशन यूरीन रे तो तार पॉजिटिवटा दिखाई फास्ट आम कौन करना 3 ml कौन नहीं जावा ना एसपैक रिएजेंट जोटा अच्छी तो सेटा को आम नहीं जावा 3 ml तो से आम आड करा के 2 ml यूरीन आड करा तो 2 ml यूरीन आड करापर पेसीपिटेसन होना देखिया तो यहाँ जो देखे चित्र भलसे जदि आम देखिया कौन कौन शो कराई ना ये जो तय देखु येलो कलर जो पेसीपिटेसन जो तैयारी येलो कलर जो तो येलो कलर पेसीपिटेसन जो तैयारी होजल्ट हूँ पॉजिटिव आदि न तैयारी होलो कलर पेसीपिटेसन तेल एटा हो नेगेटिव तो ये एसपैक रिएजेंट पड़ू आउ यूरीन पड़ू तापर एल्बुमिनोमीटर गोटे थाए यहाँ हूँ एल्बुमिनोमीटर पूराटा तो से ऊपर गोटे कवरिंग थी से कवरिंग को आम घोड़ी रखीद रखीदे किसी समय पर देखिया जे पेसीपिटेसन तैयारी कि ना तो एमती टेस्ट करा जाए तो तापर देखिए आम जो आम रोज बिलीरुबिन बिलीरुबिन भी प्रेजेंट हो यूरीन रे तो ताकू कौ कौ टेस्ट आम एस्टिमेसन करो तो कौ कौ टेस्ट करके आम जापरचे यूरीन रे बिलीरुबिन प्रेजेंट अच्छी कि आबसेंट अच्छी तो फास्ट आम देखिया बिलीरुबिन क्या कहया केमी कौन या तो जो आम ब्लड को देखु यहाँ हूँ ब्लड तो ब्लड हूँ गोटे कनेक्टिव टीस्यू तो कौन पाई ना मैंने
ବଡ଼ିର ସବୁ ଜାଗାକୁ କନେକ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି, ସର୍କୁଲେସନ୍ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତି। ତ ବ୍ଲଡ଼୍ ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ଥାଏ, ଗୋଟେ ଆମର ୱାଟରି ପାର୍ଟ ଥାଏ, ତ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ପ୍ଲାଜମା, ଆଉ ଗୋଟେ ଥାଏ ଆମର ସେଲ୍ ପାର୍ଟ। ସେଲ୍ ପାର୍ଟରେ କ'ଣ କ'ଣ ରହୁଛି ନା RBC, WBC, ଆଉ ରହୁଛି ପେଟଲେଟ୍, ଆଉ ରହୁଛି ଆମର RBC, WBC, ପେଟଲେଟ୍। ତ ଏମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, RBC କ'ଣ କରନ୍ତି, RBC ଭିତରେ ଥାଏ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ। ତ ସେ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ ଗୁଡ଼ାକ ଯଦି ଇଏ RBCକୁ ଦେଖିବା, ତା ଭିତରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ ଥିବ, ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ ଆଇରନ୍ ପାର୍ଟ ଥିବ, ଆଉ ପ୍ରୋଟିନ୍ର ଏମିତି ଚେନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଥିବ, ଆଇରନ୍ 4 ଥିବ, ଆଉ ପ୍ରୋଟିନ୍ର ଚେନ୍ ବି ସେମିତି 4 ଥିବ। ତ ଆଲଫା, ବିଟା ଏମିତି ପ୍ରୋଟିନ୍ର ଚେନ୍ ସବୁ ଥାଏ। ତ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନର ଏମିତି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଥାଏ ଯେଉଁଟାକି RBC ଭିତରେ ଥାଏ, RBCର କିଛି ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ହିଁ ନଥାଏ, ତ ଖାଲି RBC। ତ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା RBC ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ରହୁଛି, ଆଇରନ୍ ପାର୍ଟ ରହୁଛି ଆଉ ପ୍ରୋଟିନ୍ ପାର୍ଟ ରହୁଛି। ଆଇରନ୍ ମାନେ ଯେଉଁଟା ସର୍କଲ୍ ହେଇକି ଥିବ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆଇରନ୍, ପ୍ରୋଟିନ୍ ପାର୍ଟ ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଗୋଟେ ରୋପ୍ ବୟା ଥିବ, ରୋପ୍ ମାନେ ସୂତା ବୟା ଥିବ, ତ ସେଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ପ୍ରୋଟିନ୍। ତାପରେ RBCର ଯେଉଁ ଲାଇଫ୍ ସ୍ପାନ୍ ରହୁଛି, ତ ଯେତିକି ସବୁ ସେଲ୍ ରହୁଛି ତାଙ୍କର କିଛି ଲାଇଫ୍ ସ୍ପାନ୍ ଥାଏ। WBCର ସେମିତି ଲାଇଫ୍ ସ୍ପାନ୍ ଥାଏ 12-15 ଏମିତି ଥାଏ, ସେମିତି RBCର ଲାଇଫ୍ ସ୍ପାନ୍ ସବୁ କେତେ ଥାଏ, RBCର ଲାଇଫ୍ ସ୍ପାନ୍ ଥାଏ 120 ଡେ। 120 ଡେରେ ସେଇଟା ଏକୁଟିଆ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ ହେଇଯାଆନ୍ତି RBC। ତ ସେଇଥିପାଇଁ 120 ଡେରେ ସେମାନେ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ ହୁଅନ୍ତି। ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ ହେଇସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ରହୁଛି ଏବେ ମୁଁ କହିଲି, କ'ଣ କ'ଣ ଥାଏ ତାଙ୍କ ଭିତରେ, ଗୋଟେ ଥାଏ ପ୍ରୋଟିନ୍ ପାର୍ଟ, ଆଉ ଗୋଟେ ଥାଏ ଆଇରନ୍ ପାର୍ଟ। ତ ସେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ପାର୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ରିୟୁଜ୍ ହୁଏ କାସ୍ କେଉଁଥିରେ ନା ଆମ ବଡ଼ିରେ, ଆଉ ଯେଉଁଟା ରହୁଛି ଆଇରନ୍ ପାର୍ଟ। ଆଇରନ୍ ପାର୍ଟ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଆଇରନ୍ ପାର୍ଟ ସେଇଟା ପୁଣି ଡିଭାଇଡ଼ ହେଇଯାଉଛି, ଆଇରନ୍ରେ ଗୋଟେ ୱାଟର୍ ପାର୍ଟ ରହୁଛି। ତାପରେ ତ ସେଇ ଯେଉଁ ରହୁଛି ଆଇରନ୍ରେ ଯେଉଁ ୱାଟର୍ ପାର୍ଟଟା ରହୁଛି ସେଇଟା କେଉଁଥିରେ କନ୍ଭର୍ଟ ହେଉଛି ନା ବିଲିରୁବିନ୍ରେ। ତ ସେ ବିଲିରୁବିନ୍ଟା ହେଉଛି ୟେଲୋ କଲର୍, ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ କ୍ଷତିକାରକ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ବିଲିରୁବିନ୍ଟା ଯେତେବେଳେ ବି RBC ଡେଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ହୁଏ, ସେ ଯେଉଁ ବିଲିରୁବିନ୍ଟା ବାହାରେ, RBC ଡେଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ବେଳେ ବିଲିରୁବିନ୍ଟା ସେଇଥିରୁ ବାହାରେ କ୍ରିଏଟ୍ ହୁଏ ସେଇଥିରୁ। ତ ସେଇ ଯେଉଁ ବିଲିରୁବିନ୍ଟା ମିଶେ କାହା ସହିତ ନା ଆଲ୍ଗୋବିନ୍ ସହିତ ମିଶିକିରି କୋଉଠିକି ଯାଏ ନା ଲିଭର୍କୁ। ତ ଯେତେବେଳେ ବିଲିରୁବିନ୍ ଆଲ୍ଗୋବିନ୍ ସହିତ ମିଶିକିରି ଲିଭର୍କୁ ଯାଏ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେ ବିଲିରୁବିନ୍ଟା ଅନ୍କଞ୍ଜୁଗେଟେଡ଼୍ ଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ସେଇଟା ମିଶିକି ଆଲ୍ଗୋବିନ୍ ସହିତ ମିଶିକି ଲିଭର୍କୁ ଯିବ, ସେଇଟା ହେଇଯିବ କଞ୍ଜୁଗେଟେଡ଼୍, ଲିଭର୍ ତାକୁ କନ୍ଭର୍ଟ କରିଦେବ କେଉଁଥିରେ ନା କଞ୍ଜୁଗେଟେଡ଼୍ ବିଲିରୁବିନ୍ରେ। ତ ସେଇଟା ଆଉ କିଛି ଟକ୍ସିସିଟି ରହିବ ନାହିଁ। ତ ଏମିତି ବିଲିରୁବିନ୍ର ୱାର୍କ ଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ତିଆରି ହୁଏ RBC ଡେଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ରୁ, ତ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ତା'ର କିଛି ଟକ୍ସିକ୍ ଇଫେକ୍ଟ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଲିଭର୍ରେ ପହଞ୍ଚେ ଅନ୍କଞ୍ଜୁଗେଟେଡ଼୍ରୁ କଞ୍ଜୁଗେଟେଡ଼୍ ହେଇଯାଏ, ତ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ତା'ର କିଛି ଟକ୍ସିସିଟି ରହେ ନାହିଁ। ତ ଆଲ୍ଗୋବିନ୍ ସହିତ ମିଶିକରି ସେଇଟା କେଉଁଠି ଯାଏ ନା ଲିଭର୍କୁ ଯାଏ। ତ ଲିଭର୍ ହେଉଛି ଡିଟକ୍ସିଫାଇଙ୍ଗ ଅର୍ଗାନ୍, ଯେଉଁଟାକି ଯେତିକି ସବୁ ଅଛି ଟକ୍ସିସିଟିକୁ ସେମାନେ ଡିଷ୍ଟ୍ରୟ କରିଦିଅନ୍ତି। ସେମିତି ଆମେ ସବୁ ଡ୍ରଗ୍ ଫ୍ରଗ୍ ଖାଉଛୁ, ତ ସେସବୁ ଡ୍ରଗ୍ରେ କ'ଣ ରହୁଛି ନା କିଛି ଟକ୍ସିସିଟି ରହୁଛି, ତ ସେଇଟା ଯାଉଛି ଲିଭର୍କୁ, ତ ଲିଭର୍ ସେଇଟା କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି ନା ଡିଟକ୍ସିଫିକେସନ୍ ହେଇଯାଉଛି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଇମେଜ୍ଟା ଦେଖେଇଛି ସେଥିରେ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି ଆମ ବଡ଼ି ଭିତରେ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ ଏଇ ଯେଉଁ RBC ଅଛି ତା'ର ଲାଇଫ୍ ସ୍ପାନ୍ ହେଉଛି 120 ଡେ। ତ ସେଇଟା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ ହେଉଛି, ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ ହେଲା ପରେ ଯେଉଁ ହିମ୍ ପାର୍ଟ ରହୁଛି, ଯେଉଁ ଆଇରନ୍ ପାର୍ଟଟା ରହୁଛି ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ଭିତରେ, RBC ଭିତରେ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ରହୁଛି, ତ ସେଇଥିରେ ଗୋଟେ ଆଇରନ୍ ପାର୍ଟ ରହୁଛି, ତ ସେ ଆଇରନ୍ ପାର୍ଟରୁ କ'ଣ ତିଆରି ହେଉଛି ନା ବିଲିରୁବିନ୍ ତିଆରି ହେଉଛି। ତ ବିଲିରୁବିନ୍ ସେଇଟା କେଉଁଠିକି ଯାଉଛି ନା ଆମର ଲିଭର୍କୁ ଯାଉଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଲିଭର୍ ଆମର। ତ ଲିଭର୍କୁ ଗଲା ପରେ ସେଇଟା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଅନ୍କଞ୍ଜୁଗେଟେଡ଼୍ ବିଲିରୁବିନ୍ରୁ କଞ୍ଜୁଗେଟେଡ଼୍ ବିଲିରୁବିନ୍ରେ କନ୍ଭର୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, ନା କେତେବେଳେ ରିଆକ୍ସନ୍ ହୁଏ NADPH NAD+, ତ ଏମିତି ରିଆକ୍ସନ୍ ହେଇକିରି ଅନ୍କଞ୍ଜୁଗେଟେଡ଼୍ ବିଲିରୁବିନ୍ରୁ କଞ୍ଜୁଗେଟେଡ଼୍ ବିଲିରୁବିନ୍ କନ୍ଭର୍ଟ ହେଇଯାଏ। ତାପରେ ସେଇଟା କେଉଁଠି ଆସେ ନା ବାଇଲ୍ ଡକ୍ଟ ଦେଇକିରି ସ୍ମଲ୍ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍କୁ ଆସେ। ତ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଚିତ୍ରଟା ଦିଆହେଇଛି, ତ ଏଇଥିରେ ତୁମେ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବ କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି ନା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ରହୁଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍। ତ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ରେ କ'ଣ ରହୁଛି ନା ହିମ୍ ପାର୍ଟ ଆଉ ଗ୍ଲୋବିନ୍ ପାର୍ଟ ରହୁଛି। ହିମ୍ ପାର୍ଟରୁ କ'ଣ ତିଆରି ହେଉଛି, ସେ ଯେଉଁ ଆଇରନ୍ ପାର୍ଟରୁ ନା ବିଲିରୁବିନ୍ ତିଆରି ହେଉଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ବିଲିରୁବିନ୍ ତିଆରି ହେଉଛି, ତାପରେ ବିଲିରୁବିନ୍ ତିଆରି ହେଉଛି।
तो बिल बॉडी नौ ब्लू कलर देखा बिल रुबिन हूँ येलो कलर से गोटे पिगमेंट जोटा कि येलो कलर देखा आमर जमी यूरीन यूरीनटा येलो कलर देखा कौपाई ना ये जो आरबीसी डेस्ट्रक्शन हो फास्ट बिल बॉडी तापर बिल रुबिन या तो युड़ाक ब्लड रे सर्कुलेशन हुए ब्लड सर्कुलेशन है मैंने गोड़ किडनी जीव किडनी से फिल्टर हे बिल रुबिन गुड़ाक किडनी जो कही कौन था ना फिल्ट्रेसन ऑर्गन थाए किडनी रे ग्लोमेरुलस थाए वामेंस कैप्सूल थाए तो एथरे कौन हुए ना फिल्टर हुए तो बिलुबिन रो मॉलिक्यूल गुड़ाक बहुत छोट तो से जो फिल्टर गुड़ाक पास होकर पाती आम जो बेसमेंट जो मेम्ब्रेन थाए ग्लोमेरुलस रे तो से पास होकर पाया से यूरीन रे कौ कलर देखा येलो कलर देखा कौन बिलुबिन प्रेजेंट अच्छी तो ये गोटे पिगमेंट कलरिंग पिगमेंट जोटा कहती तो सीटा हूँ बिलुबिन तो बिलुबिन हूँ देहपा क्षतिकारक तो सेटा आलगुमिन सहित मिसी कौटी आसूसी ना लिभर को आसूसी तो लिभर कौन हो ना अनकंजुगेटेड बिलुबिन रु कंजुगेटेड बिलुबिन रे कन्वर्ट हो बिलुबिनटा तो तापर स्टेप कौन हो ना कंजुगेटेड हो सारापर बिलुबिनटा से जामर इंटेस्टाइन को कौ इंटेस्टाइन को स्मॉल इंटेस्टाइन को तो यहाँ देखिए आमर स्मॉल इंटेस्टाइन तो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन अच्छी तो ये फास्ट पहुँचे किए अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन रु कन्वर्ट होकर जो कंजुगेटेड बिलिरुबिन है तो यहाँ आसिकी कौटी पहुँचे लिभर जो बाइल डक्ट अच्छी बाइल डक्ट देकर यहाँ आसिक पहुँचे कौटी ना आमर स्मॉल इंटेस्टाइन रे से पहुँचिकी तो सेटा आमर जो स्टूल जो कलर आसूसी केमती कलर आसूसी येलो कलर आसूसी ना तो सेटा भी क्या आसूसी ना आमर जो बिलुबिन आसूसी तो से जिते भी आम बॉडी रे आरबीसी डिस्ट्रक्शन हुए अधिक परिमाण रे ताहले बिलुबिन परिमाण बढ़िया को लगे जमती आनमिया होउची आनमिया केस रे हिमोलाइटिक आनमिया जोड़ा होउची तो हिमोलाइटिक आनमिया केस रे कौन होउची ना आरबीसी डिस्ट्रक्शन होबा स्टार्ट करुची तो डिस्ट्रक्शन होबा स्टार्ट कले तो धीरे धीरे आरबीसी जब डिस्ट्रक्शन हे तो से टाइम धीरे धीरे आम बॉडी रे बिलुबिन परिमाण बढ़िया को लगे बिलुबिन परिमाण बढ़िया को लगे से बिलुबिन गुड़ाक कोड देखा आम ब्लड देखा यूरीन देखा स्टूल देखा तो यार जो अधिक कलर हो गला तेल कलर ही अलग करदेव डार्क करदेव पूरा यूरीन कलर डार्क करदेव जो बिलुबिन परिमाण पूरा अधिक हो गला तो तार किसी लिमिट थाए से लिमिट जाए कौन करना यूरीन सिक्रेसन हवा कथा ताठ जो अधिक होधिक आरबीसी डिस्ट्रक्शन हे तो तार कलर पूरा चेंज ही हो तो से आमर बिलुबिन हूँ बहुत गोटे इम्पोर्टाट तो यहाँ गोटे सेमती चित्र देखिए जोटा कि तुम जापर केमती कौन आरबीसी भांगू फास्ट तो आरबीसी रोच आरबीसी भितर कौन रोज हिमोग्लोबिन रोच हिमोग्लोबिन जो हिम पार्टा रोच हिम पार्ट जो आयरन पार्टा तो सहीटा कौन हो भांगी कौन तैयारी ना बिली बॉडी तैयारी बिली बॉडी तो बिली बॉडी कौ थे कन्वर्ट हो ना अनकंजुगेटेड बिलुबिन तो अनकंजुगेटेड बिलुबिन तो सेटा क्या सहित मिसो कही क्या सहित ना अनकंजुगेटेड बिलुबिन आलगुमिन सहित मिसो आलगुमिन सहित मिसिकी से कौटी जीव लिभर को जीव कौपाई डिटॉक्सिफाइंग करवाई से लिभर को लिभर से कौन हो जाए ना कंजुगेटेड बिलुबिन कन्वर्ट हो जाए तो यहाँ लिखी कंजुगेटेड बिलुबिन से कन्वर्ट हो तो कंजुगेटेड बिलुबिन कन्वर्ट है से कौटी जाऊँ ना ये बाइल डक्ट अच्छी बाइल डॉट देकर कौटी आसूसी ना आमर स्मॉल इंटेस्टाइन कंजुगेटेड बिलुबिन स्मॉल इंटेस्टाइन से कौन परिणत होमर स्टेकोबिलिन रे कन्वर्ट होता जो ब्लड स्ट्रीम को जाऊँ ना ब्लड स्ट्रीम से यूरोबिलिन जाए कन्वर्ट होडनी बाटे से बाहर को आसूसी यूरोबिलिन जोटा कहते तो यूरोबिलिन जाने कन्वर्ट होता किडनी बाटे कौटी आसूसी ना बाहर को आसूसी तो एमती वर्क रुए बिलुबिन र तो बिलुबिन परिमाण बढ़ू कमुच आम ब्लड जानापी बहुत गुड़ा टेस्ट अच्छी तो से टेस्ट गुड़ा मुझे कौ कौ टेस्ट थाए बिलुबिन को कैलकुलेट करने देख तो बहुत गुड़ा क्लिनिकल सिम्टम थाए जो थी बिलुबिन परिमाण बढ़े कि कमे जदि आमर किसी लिभर डिजीज होगा तो लिभर डिजीज हो गले बिलुबिन परिमाण बढ़ तो बिलुबिन परिमाण बढ़ीगले सीटा गोटे रोग थाए ना हूँ जंडिस जंडिस जोटा कि आम हाथ आखि एगुड़ा सब कौन हो येलो कलर हो कौपाई ना आम ब्लड रे बिलुबिन परिमाण बढ़िया को लगुच तो बिलुबिन परिमाण जो आम ब्लड बढ़िया को लगे तो से टाइम
କ'ଣ ହେବ ନା ଆମର ଯେଉଁ ହାତ ନାକି ଆଖି ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ୟେଲୋ କଲର୍ ସବୁ କରିବ, ବ୍ଲୁ ବିନ ପରିମାଣ ବଢ଼େଇବାକୁ ଲାଗିବ। ଯଦି ଲିଭର କିଛି ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହୋଇଗଲା ତାକୁ କହନ୍ତି ହେପାଟାଇଟିସ୍। ତ ହେପାଟାଇଟିସ୍ କେସ୍ରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଲିଭର କିଛି ହେପାଟିକ୍ ସେଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ଥାଏ, ତ ହେପାଟିକ୍ ସେଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ କେତେକ ଅଛନ୍ତି ହେପାଟାଇଟିସ୍ର ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ସବୁ, ତ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଆମର ହେପାଟାଇଟିସ୍ର ଯେତିକି ସବୁ ଭାଇରସ୍ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଲିଭରକୁ ଯାଇକିରି ଲିଭର ସେଲ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ସେମାନେ ଡ୍ୟାମେଜ୍ କରିଦିଅନ୍ତି। ଡ୍ୟାମେଜ୍ କରିଦେଲେ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ବି ବିଲୁବିନ ପରିମାଣ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିବ। ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା କେସ୍ ଥାଏ, କ୍ଲିନିକାଲ୍ ସିମ୍ପଟମ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଥାଏ ଯେଉଁଥିରେ କି ବିଲୁବିନ ପରିମାଣ ଆମ ବଡ଼ିରେ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗେ। ତ ଯଦି ଆମର ଲିଭର କିଛି ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହୋଇଗଲା ତାହେଲେ ବି ବିଲୁବିନ ପରିମାଣ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିବ। ତ ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ା କେସ୍ ଅଛି, ଯେମିତି ଆମର ଆନିମିଆ ହେଉଛି, ହିମୋଲାଇଟିକ୍ ଆନିମିଆ, ଆର୍ବିସିର ଡେଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ହୋଇଯାଉଛି। ତ ଆନିମିଆ ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ୍ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆର୍ବିସିର କ'ଣ ହୋଇଯାଏ, ଡେଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ହୋଇଯାଏ। ତ ଆର୍ବିସି ଅଧିକ ଡେଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ହେଲେ ଆର୍ବିସିରୁ କ'ଣ ବାହାରିବ ନା ଆମର ବିଲୁବିନ। ବିଲୁବିନ ବାହାରିଲା ମାନେ ତ ଆମ ବ୍ଲଡ଼୍ରେ ବିଲୁବିନ ପରିମାଣ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିବ ଏବଂ ଆମକୁ ଜଣ୍ଡିସ୍ ସୋ କରିବ। ଜଣ୍ଡିସ୍ ମାନେ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମର ହଳଦିଆ ପଡ଼ିଯିବ, ହାତ ଆଖି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ୟେଲୋ କଲର୍ ସୋ କରିବ। ତ ବିଲୁବିନକୁ କାଲକୁଲେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ତ ବାଇଲ୍ଟା ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛେ, ଯେଉଁଟାକି ବିଲୁବିନଟା ଆସୁଛି କେଉଁଠିକି ଲିଭରକୁ, ଲିଭର ସେଇଟା ବାଇଲ୍ ଆକାରରେ କନଭର୍ଟ ହେଇକିରି ସେଇଟା ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍କୁ ଆସୁଛି। ତ ବାଇଲ୍ ଯେଉଁଟା ବିଲୁବିନ ସେଇଟା, ତ ବାଇଲ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛୁ ଲାବୋରେଟୋରିରେ କେଉଁ କେଉଁ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ବାଇଲ୍କୁ କାଲକୁଲେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, ୟୁରିନ୍ରେ କେତେ ପରିମାଣରେ ବାଇଲ୍ ଅଛି, ତ ଏସବୁ ଟେଷ୍ଟ ଥାଏ। ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ ନାଁ ହେଉଛି ପଚେଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ, ତା ନାଁ ହେଉଛି ପଚେଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ ବିଲୁବିନକୁ କାଲକୁଲେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତ ବାଇଲ୍ ବି ଦେଇପାରେ ବିଲୁବିନ୍ ଦେଇପାରେ, ଦୁଇଟା ଏକା କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବନି। ତ ଯେଉଁଟା ବାଇଲ୍ ସେଇଟା ହେଉଛି ବିଲୁବିନ୍ ହେଲା। ତ ବିଲୁବିନ୍ରେ କେତେଟା ଏଲିମେଣ୍ଟ ମିଶିକିରି କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି ନା ବାଇଲ୍ରେ କ'ଣ ପଡ଼େଇକି ସ୍ମଲ୍ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍କୁ ଆସୁଛି ସେଇଟା ବାଇଲ୍ ଡକ୍ଟର ଦେଇକିରି ଦେଖ। ଫର୍ଚେଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ତ ସେଇଟା କେମିତି କ'ଣ କରୁଛୁ ଫର୍ଚେଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ, ଏଇଟା ସିମ୍ପୁଲ୍ ଟେଷ୍ଟଟା। ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ନେଇଯିବା ୟୁରିନ୍ଟା, ୟୁରିନ୍ଟା କେଉଁଠୁ ନେଇଯିବା ନା ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ୍ରେ ନେଇଯିବା ୟୁରିନ୍ ହେଲା, 5 ml ହେଲା ୟୁରିନ୍ ନେଇଯିବା। ତ ସେଇଥିରେ ଆମେ ପକାଇବା ଆମର 2.5 ml ବେରିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ଼୍ ପକାଇବା, ତାପରେ ତାକୁ ମିଶାଇ ଦେବା ଠିକ୍ସେ, ତାପରେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ଟର ପେପର ତାକୁ ଫିଲ୍ଟର କରିଦେବା, ତାପରେ ସେଇଥିରେ ଗୋଟେ ଡ୍ରପ୍ର ଫର୍ଚେଷ୍ଟ ରିଏଜେଣ୍ଟଟା ପକାଇବା। ପକାଇଲେ ଯଦି ଆମର ବ୍ଲୁ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ଆସିଲା ତାହେଲେ ସେଇଟା ହେଉଛି ବିଲୁବିନ୍ ପେଜେଣ୍ଟ ଅଛି, ଯଦି ନ ଆସିଲା ତାହେଲେ ବିଲୁବିନ୍ ପେଜେଣ୍ଟ ନାହିଁ। ସୋ ଟେଷ୍ଟଟା କେମିତି କରିବା ସେଇଟା ଦେଖିଦେଉଛି କେମିତି କ'ଣ କରିବା। ଫାଷ୍ଟ ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ୍ ଗୋଟେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ୍ ଗୋଟେ, ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ୍ ନେଇଗଲେ ତ ସେଇଥିରେ ଆମେ ଆଡ଼୍ କଲେ 5 ml ୟୁରିନ୍ ଆଡ଼୍ କଲେ, ତାପରେ ସେଇଥିରେ ପୁଣି ଆଡ଼୍ କରିବା ବେରିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ଼୍ର, ବେରିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ଼୍ ହେଲା ଗୋଟେ ସଲ୍ଟ ବୟ ସେଇଟା, ତ ବେରିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ଼୍ ସେଇଟା ଆଡ଼୍ କରିବା କେଉଁଠି ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ୍ରେ, ତା ଆଡ଼୍ କରିବା, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ୍ ନେବା, ଆଉ ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ୍ ନେଇକିରି ତା ଉପରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ରଖିବା ଫିଲ୍ଟର ପେପର ରଖିବା, ଫିଲ୍ଟର ପେପରରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ୍ଟା ନେଇଥିବା ଯେଉଁଥିରେ କି ୟୁରିନ୍ ଆଉ ବେରିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ଼୍ ଆଡ଼୍ ହେଇଛି, ତ ଏ ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ୍କୁ ନେଇକିରି ଏଇଥିରେ ଡାହାଇବା ଆଉ ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ୍ରେ, ତ ୟା ଉପରେ ରଖିଦେବା ଫିଲ୍ଟର ପେପର। ତ ଏ ଫିଲ୍ଟର ପେପରରେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଯେତିକି ସବୁ ଇନଗ୍ରିଡ଼ିଏଣ୍ଟ ଥିବ ଉପର ରହିଯିବ, ତ ସେ ଉପର ରହିଯିବ, ତା ଉପରେ ଆମେ କ'ଣ ପକାଇବା ନା 1 drop ଅଫ୍ ଫର୍ଚେଷ୍ଟ ରିଏଜେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି ଫର୍ଚେଷ୍ଟ ରିଏଜେଣ୍ଟ, ତ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ପକାଇବା। ତ ଏଇ ଯେଉଁ କଲର୍ଟା ଆସୁଛି ତାକୁ କହନ୍ତି ଆମର ବ୍ଲୁ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍। ତ ଯଦି ଆମର ବ୍ଲୁ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ଆସିଗଲା ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଆମର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛି ବିଲୁବିନ, ଯଦି ନ ଆସିଲା ବିଲୁବିନ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ନାହିଁ। ସେଇଟା ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି କେମିତି କ'ଣ, ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ୍ ନେଇଯିବା, ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ୍ରେ 5 ml ୟୁରିନ୍ ପକାଇବା ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ୍ରେ, ତାପରେ ପୁଣି ସେଇଥିରେ ପକାଇବା ବେରିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ଼୍ ଗୋଟେ ପାଉଡ଼ର ପକାଇବା, ସଲ୍ଟ ଭୟ ଗୋଟେ ବେରିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ଼୍, ତ ତାକୁ ପକାଇବା, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ୍ ନେଇଯିବା, ଆଉ ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ୍ ଉପରେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ଟର ପେପର ରଖିବା, ଫିଲ୍ଟର ପେପର ରଖିବା, ତାପରେ ଏ ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ୍କୁ ନେଇକିରି ଆ ଉପରେ ଢାଇବା। ଫିଲ୍ଟର ପେପର କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଉପର ଯେଉଁ ଇନଗ୍ରିଡ଼ିଏଣ୍ଟଟା ଉପରରେ ରହିଯିବ, ତାପରେ ତା ଉପରେ ପକାଇବା ଫର୍ଚେଷ୍ଟ ରିଏଜେଣ୍ଟ, ଫର୍ଚେଷ୍ଟ ରିଏଜେଣ୍ଟ ପକାଇବା, ତାପରେ ସେଇଟା କଲର୍ ଫର୍ମେସନ୍ ହେବ। କେଉଁ କଲର୍ ଫର୍ମେସନ୍ ହେବ ନା ଆମର ବ୍ଲୁ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍। ତ ଯଦି ବ୍ଲୁ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ଆସିଲା ତାହେଲେ ଜାଣିପାରିବା ବିଲୁବିନ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛି, ଯଦି ନ ଆସିଲା ତାହେଲେ ବିଲୁବିନ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ନାହିଁ। ତ ଏମିତି ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଏ, ତ ୟା ନାଁ ହେଉଛି
फोर चेस्ट टेस्ट पचास कौन पाई ना फोर चेस्ट रिएजेंट यूज हो तो जितक सब रिएजेंट आम यूज कर देखा देखो देख फास्ट तो यूज करते फोर चेस्ट रिएजेंट रिएजेंटा एमती है तो यहाँ को आम यूज कराया कौटी एक्सटिमेसन बिलुबिन एक्सटिमेसन तो आउ यूज करते बेरियम क्लोराइडा जोटा जोटा कि कहली सल्ट बोया यहाँ सल्ट बोया बेरियम क्लोराइड फास्ट यूरीन नहीं जा टेस्ट उपरे 500 ml रपर से बेरियम क्लोराइड पकड़ आम ठीक से मिक्स कराया तापर आउ गोटे टेस्ट ट्यूब नहीं जावा फिल्टर पेपर रखिया या नहीं तापर ढाइवा ढाला तापर फिल्टर पेपर उपर जी सब इनग्रीडियंट रही थी आम कौन पकैया ना आमर फोर चेस्ट रिएजेंट जो अच्छे पकैया से कलर फर्मेसन हे ब्लू ग्रीन कलर जोटा कहती फर्मेसन हो गला बिलुबिन प्रेजेंट अच्छी ना बिलुबिन प्रेजेंट नहीं तो आम जान पारे फोर चेस्ट कौन हो एमती कलर फर्मेसन होमती कलर ना ये जो अच्छी ब्लू ग्रीन कलर यहाँ होमती कलर फर्मेसन है प्रेजेंट अच्छी ना प्रेजेंट नहींपर एटा गोटे टेस्ट रहा जोटा कहते फोर चेस्ट टेस्ट बिलुबिन को एक्सटिमेट करने कि बाइल पिगमेंट को एक्सटिमेट करने यूज करा तो सेकंड टेस्ट देखिया को टेस्ट आम यूज करुबिन को एक्सटिमेट करने यूरीन तो यहाँ यूरीन एनालिसिस चलती तो यूरीन एनालिसिस आम कौन कौन ना केमिकल एग्जामिनेशन कौन कौन टेस्ट कर बिलुबिन को एक्सटिमेट करने तो सेकंड टेस्ट ना हो बेरियम क्लोराइड फिल्टर पेपर मेथड तार डिटो फोचर से जो हूँ से डिटो तारी हुआ है देख फास्ट आम नहीं जावा कौन नहीं जावा ना बेरियम क्लोराइड रो गोटे पेपर नहीं जावा फिल्टर पेपर मार्केट रे अवेलेबल अच्छी तो बेरियम क्लोराइड रो कौन नहीं जावा ना फिल्टर पेपर गोटे नहीं जावा तो सही किसी ड्रप रो यूरीन पकईदवा बेरियम क्लोराइड रो फिल्टर पेपर तापर कौन करिया ना तापर जो फोचेस रिएजेंट अच्छी से पकैया पकड़े कौन हम कलर फर्मेसन हे कौ कलर ना ग्रीन कलर फर्मेसन हे जदि ग्रीन कलर फर्मेसन है पॉजिटिव जदि ना से नेगेटिव तो यहाँ हूँ सिंपल मेथड जोटा कि फास्ट आम नौ बेरियम क्लोराइड रोटे पेपर तापर से आम कौन यूज करवा ना किसी ड्रप रो गोटे फिल्टर पेपर नहीं जावा किसी ड्रप रो यूरीन पकैया बेरियम क्लोराइड रो पेपर रे यूरीन पकेले तापर से फोर चेस्ट रिएजेंट पकेले तापर जो रिएजेंट पकैया तो कलर फर्मेसन हे जदि ग्रीन कलर हो गला ताहले प्रेजेंट अच्छी जदि नहला ताहले प्रेजेंट नहीं तो आम सब देखुचे गोटे कॉमन रिएक्शन जोटा कि बेरियम क्लोराइड रे जदि आम यूरीन पकेवा एवं से आम फोचेस जो रिएजेंट पकैया तो कौन कर गोटे ग्रीन कलर फर्मेसन हे ब्लू ग्रीन कि ग्रीन कलर फर्मेसन हे जदि ब्लू ग्रीन कि ग्रीन कलर फर्मेसन होगा बिलुबिन प्रेजेंट अच्छी जदि ना से बिलुबिन प्रेजेंट ना तो दुईटा टेस्ट आम देखिले फास्ट आज फोचेस टेस्ट आज बेरियम क्लोराइड जो फिल्टर पेपर नहींक्र तो आम यूज कले कौन ना यूरीन यूज कले तापर से यूरीन किसी ड्रप रूरीन यूरीन किसी ड्रप ड्रप फोचेस एजेंट पकेले तापर से कलर फर्मेसन हो गला तो दुईटार जो मेकानिजमटा सेम अच्छी तो कौ कौ केमिकल यूज हो दुईटा रिएक्शन में दुईटा जो मेथड पड़े कौ कौ केमिकल यूज करे आम फास्ट तो आम फोचेस एजेंटा यूज करे तापर बेरियम क्लोराइडा यूज करे आउ यूरीनटा यूज करे आदि कलर फर्मेसन हो गला पॉजिटिव जदि ना से नेगेटिव तो थर्ड टेस्ट देखिया दुटा टेस्ट सरला तीन नंबर टेस्ट कौन अच्छी तो तीन नंबर मेथड हूँ जोड़ा कि रिएजेंट स्ट्रिप मेथड जोड़ा कहती तो से स्ट्रिप मेथड गोटे स्ट्रिप थी तो स्ट्रिपटा मिलजि तो से स्ट्रिपटा को आम कौन करा ना यूरीन बुड़ा यूरीन बुड़ेला तो स्ट्रिप्रे देखिए कलर फर्मेसन हो ना तो से कलर देखिए आम जान पारे बिलुबिन प्रेजेंट अच्छी ना जिते पिंकिस आसो तो सेते हाई अमाउंट रो बिलुबिन प्रेजेंट अच्छी जदि ब्राउन कलर आसला तो लो अमाउंट रो बिलुबिन प्रेजेंट अच्छी पूरा पिंक जदि आसला तो हाई अमाउंट रो बिलुबिन प्रेजेंट अच्छी तो जोड़ा कि आम लैबोरेटरी टेस्ट करुचु स्ट्रिप बुड़ेकी स्ट्रिप बुड़ा तापर से स्ट्रिप को चेकिंग करिया कोड़ी ना आमर जो डबा थी से डबार कलर सब दिखाई थोड़ा से कलर आम देखिया जदि आम पूरा पिंक आसो ताल
हाई अमाउंट बिल विन प्रेजेंट अच्छी जदि ब्राउन आसा तो लो अमाउंट बिल विन प्रेजेंट अच्छी तो यहाँ हूँ गोटे स्टीम मेथड जोटा कि कराए बिल विन को एस्टिमेट करने लैबोरेटरी तो डीप स्ट्रीम मेथड आम जापरचे जदि पिंक आसूसी जिते पिंक आसूसी हाई अमाउंट बिल विन प्रेजेंट अच्छी जदि आम ब्राउन कलर एमती कलर जो आसा तो लो अमाउंट बिल विन प्रेजेंट अच्छी यहाँ मतलब डीप स्ट्रीम मेथड जोटा कि स्टीप बुड़ी आम देखु बिल विन प्रेजेंट अच्छी ना तो स्टीम मेथड आम जानसे लैबोरेटरी प्रायत तो यूज कराए कमी कौन यूज कराए से कहे देख तो जिते भी आम देखिया लैबोरेटरी एमती गोटे डबा थी तो सही पछपट को एमती सब कलर दिया ही थी तो ये सब लिखाही थी कौटा केट्रे अच्छी तो जिते आम स्टीपटा को बुड़ाया कौट यूरीन बुड़ाया जिते तो से आमर डबारे एमती सब कलर दिखाई थी कलर लिखाही थे कौन कौन कापाई लिखाई यहाँ हूँ लिकोसेट यहाँ हूँ नाइट्रेट यूरोबिलिनोजेन प्रोटीन पीएच ब्लड स्पेसिफिक ग्राविटी तापर आग कौन अच्छी यार कीटन बॉडी बिलुबिन ग्लूकोज तो एमती सब थाए आमर स्टीम मेथड तो स्टीपटा को बुड़ा बुड़े सारापर आम देखिया जे तो बुड़े सारापर आम देखिया जो कलरटा का सहित मिसुची तो ये जी या सहित मिसीगला धर आमर देखु बिलुबिन बिलुबिन कलर जो ये आसीगला तो स्ट्रीप्रे एमती बहुत गुड़ा कलर दे थो तो जदि कलरटा ये आसीगला तो बिलुबिनटा नर्माल अच्छी बढ़ी बढ़ी चलला तो बिलुबिनटा कौन अच्छी अधिक अच्छी जब पूरा पिंकिस आसीगला तो बिलुबिनटा पूरा अधिक अच्छी तो एमती स्टीप बुड़ेक्री आम जापर बहुत गुड़ा जिनस जापर स्टीप्रे खाली बिलुबिन जापरानी ग्लूकोज भी जापर प्रोटीन भी जापर पीएच भी जापर कलर फॉर्मेशन करियो जिते भी आम स्टीपटा को यूरीन में बुड़े दवा तो ये जो स्टीपटा अच्छी यहाँ जब आम यूरीन में बुड़े दवा ताल तापर एमती कलर सब आसीज एम सब कलर आसपर से कलर को लेकर कौन करना का सहित मिसुची देखिया देखिए एस्टिमेट कर रिपोर्ट दवा ओके तो यहाँ हूँ लास्ट पार्ट यूरीन केमिकल एग्जामिनेशन तो यापर माइक्रोस्कोपी एग्जामिनेशन देखिया आउ बायोकेमिस्ट्री के गुड़ा लेक्चर आम स्टार्ट करिया तो इतनी था आज तो नेक्स्ट लेक्चर आम बायोकेमिस्ट्री स्टार्ट करिया तो विटामिन कार्बोहाइड्रेट ये सब जिन स्टार्ट करिया।